हेलो एवरीवन, नूतन स्वल डीएमके में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम चाट की रेसिपी है। वैसे तो एक बार मैंने आपके साथ टिक्की चाट की रेसिपी शेयर किया था, लेकिन इस बार मैं आपके साथ कटोरी चाट और पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने यहाँ नए तरीके से बनाया है और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो प्लीज़ आप भी इसे ट्राई कीजिए और चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने मटर को पानी में फुला दिया है अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें 3 कप पानी ले रही हूँ और 2-3 मैंने यहाँ आलू कट करके लिया है और नमक, हल्दी और लाल मिर्च ले रही हूँ। और देखिए ये इसे मैंने 2 सीटी में हटा दिया था। और अब मैं यहाँ पैन गरम कर रही हूँ। अब पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने हींग लिया है और चॉप्ड ऑनियन, मैंने प्याज को टुकड़े टुकड़े काट लिया है, बहुत छोटे टुकड़े में मैंने इसे कट किया है। और अब मैं टमाटर ले रही हूँ, 2 टमाटर मैंने यहाँ चॉप करके लिया हुआ है और इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसे आधा पकने के बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है वो मैं इसमें ले रही हूँ, सब्ज़ी मसाला मिक्स कर रही हूँ और आमचूर पाउडर 1 चम्मच मैं ले रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी ले रही हूँ और फिर से इसे मिलाना है अच्छे से। और अब मैं वो सब्ज़ी जो मैंने बनाया हुआ था प्रेशर कुकर में डाल के वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट हमें पकाना है। और अब मैं इसे किसी भी मैसर के हेल्प से आप इसे कर सकते हैं या फिर दाल जिससे आप मिलाते हैं उससे भी आप इसे मैश कर सकते हैं, और ताकि ये पता ना चले कि इसमें मैंने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ऐड किया है। और अब मैं एक पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ डो तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 कप मैदा और 1/2 कप सूजी लिया है। उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ, थोड़ा सा तेल यानी कि 2-3 चम्मच तेल, और 1/2 से भी 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे सोडा लिया है खाने वाला, और ये सभी को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे, और डो को मैं यहाँ पे 15 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं इसे बेल रही हूँ, और बेलना उसी साइज़ में है जितना साइज़ आपका कटोरी है, और कटोरी के साइज़ कि आपको जितना बड़ा कटोरी बनाना है उतना बड़ा आपको बेलना है और उतनी बड़ी आपको पूरी बेलनी है। उसके बाद उस पर फॉक के हेल्प से उसे छेद कर देना है ताकि वो पूरी फूले नहीं और पूरी कटोरी जो है हमारी अच्छे शेप में बन के आए। तो अब मैं इसे तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारी कटोरी रेडी हो रही है, और धीरे धीरे तेल मैं उसके ऊपर डालते जा रही हूँ, और देखिए वो धीरे धीरे करके कटोरी छोड़ दे रही है। देखिए अब मैं कटोरी निकाल ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते इसे अच्छे से पका लेना है हमें दोनों तरफ से पलट पलट के। अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत कटोरी हमारी रेडी हो गई, और अब मैं इसे निकाल के मैं बाहर कर लूँगी। तो इसे अब अच्छे से पकाते हुए हमें निकालना है ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। और देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाला, और अब मैं कटोरी चाट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है थोड़ा सा, करीब 1/2 कटोरी, और उसमें मैं चीनी ऐड की हूँ, इतना चीनी ताकि उसमें हल्का मीठा हो जाए वो। और अब मैं वो मिक्सचर जो मैंने तैयार किया था सब्जी वाली, जो मटर से मैंने बनाया था प्रेशर कुकर में डाल के, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और उसे इतना लेना है ताकि वो कटोरी आपका लगभग भर जाए। और उसके ऊपर से मैं पापड़ी डाल रही हूँ, आप यहाँ कोई भी पापड़ी ले सकते हैं, घर में भी बनाया जा सकता है या फिर आप मार्केट वाली ले सकते हैं या फिर गोलगप्पे वाली पापड़ी भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने प्याज, गाजर, मूली और धनिया पत्ता को पतले पतले पीसेस में कट करके लिया है, और उसके ऊपर से मैं दही और मीठी इमली की चटनी मैं यहाँ डाल रही हूँ। उसके ऊपर से मैं लाल मिर्च, फिर काला नमक, फिर से दही थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, और फिर अब मैं चाट मसाला ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी यानी 1/2 चम्मच से भी कम काली मिर्च ली है। मैंने काली मिर्च का हल्का सा 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है। अब मैं इसके ऊपर खीरा को भी पतला पतला पीसेस में कट करके मैंने यहाँ डाला है। फिर से मैंने हल्का प्याज लिया है,
और उस पर थोड़ी थोड़ी दही और इमली की चटनी डालने के बाद मैं उसके बाद नमकीन सेव उसके ऊपर से मैंने लिया है। ये लीजिए, अब ये हमारी चटपटी खट्टी मीठी कटोरी चाट रेडी है। अब आप भी इसे घर में बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अब मैं दूसरी चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पापड़ी चाट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक प्लेट लिया है, थोड़ा सा पापड़ी मैंने लिया है और उसके बाद वही वाला मैंने जो सब्जी बनाया था मटर का वो वाला मैंने यहाँ ले लिया। फिर प्याज, गाजर, मूली ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके ऊपर से धनिया पत्ती के साथ दही भी हल्का सा लेना है, 2-3 चम्मच मैंने यहाँ दही ले लिया है। फिर इमली का मीठा चटनी लिया है मैंने यहाँ, नमक लिया है, काली मिर्च लिया है और चाट मसाला लिया है और लाल मिर्च भी यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है। और फिर से मैं इसके ऊपर दही ले रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैं सेब ले रही हूँ। अब मैं इसे फैला ली हूँ और फैला के देखिए ये हमारी चटपटी चटपटी बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी इमली चटनी के साथ। अब आप इसे टेस्ट कीजिए, आप भी इसे घर में बनाइए और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये चटपटी और खट्टी मीठी चाट कैसी लगी। और वीडियो को अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव तक जरूर शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।